Approximately 20 days left for group 1 examinations and approximately 1 month left for group 2 examinations. ये जो 20-30 days है ना, यहाँ पे every single minute, in fact every single second should be utilized fruitfully. But क्या हो रहा है? इसका exactly opposite हो रहा है. We are taking our time for granted. Seconds तो छोड़ो, अपने घंटों बीत जा रहे हैं in just planning, in just overthinking, in just you know getting confused. We are just messing around. In fact, जितना ज़्यादा अभी ये last के few days में पढ़ना चाहिए, actual में confess करना उतनी कम पढ़ाई हो रही है अपनी. Because we are involved in our own randomness. कि कभी confused है, कभी डर लग रहा है, कभी नया time table बना रहे हैं, random कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, कभी RTP, कभी paper, कभी कोई भी subject. There is no sense of concise, precise schedule कि मुझे यही schedule follow करना है and इसी तरीके से आगे बढ़ना. You know what guys, मैंने बहुत सारे CA students को देखा है. They keep on studying, they keep on just being busy, but they are not productive. तो guys, अभी तक जो हुआ वो हुआ, but you actually just you can't be busy and sitting in the same room for 15-16 hours. You have to actually be productive in the next 20-30 days. तो इसी के लिए time table draft किया है मैंने आपके लिए, especially CA students के लिए. ये last month में आपको कैसे आपका शेड्यूलिंग करना चाहिए, इसके लिए ये पूरा वीडियो है गाइस, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए. तीन मेजर फैक्टर्स इस टाइम टेबल में इंक्लूड किए गए हैं. एक है माइंडसेट बिल्डिंग, बिकॉज अभी ना पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. अब जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतनी ज्यादा इफिशियंसी निकलेगी और उतना ज्यादा आउटपुट निकलेगा. तो पॉजिटिव कैसे रहना, ये यहाँ पे कवर होने वाला है. एक सीक्रेट टिप टू स्टे पॉजिटिव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी बताऊंगी, सो स्टे ग्लूड. सेकेंडली सिलेबस कंप्लीशन, कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा सिलेबस अपन कंप्लीट कर सकते हैं, इस लास्ट 20-30 डेज में ये यहाँ पे कवर अप होने वाला है. एंड थर्डली एग्जाम परफॉर्मेंस बिल्डिंग. काफी बार ना पढ़ाई अपन कर लेते हैं बट अपने को एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं मिल पाते, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसको करके अपन एग्जामिनेशन में अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, वो भी यहाँ पे कवर होने वाला है. ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस टू हेल्प यू स्टे प्रोडक्टिव, टू बूस्ट यू कॉन्स्टेंटली, टू गिव यू द रियलिटी चेक्स इस चैनल पे आते रहेंगे टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन. सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन हिट करके रखो, बिकॉज यू नेवर नो ना गाइस, कभी कभी एक ही चीज क्लिक हो जाती है जिससे अपना अटेम्प्ट बच जाता है. तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल. तो क्या करते हैं ना, टाइम टेबल बिगिन करते हैं. We'll wake up at 6 o'clock in the morning. जो first half an hour है ना वो बहुत wisely spend करना है. What I've seen students doing is कि काफी बार पढ़ाई क्यों नहीं करते, why are we procrastinating the things? The root cause is fear, डर लगता है, इतना सारा syllabus करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, paper, RTP, this, that, बहुत सारी चीजें हैं. What you have to do is सबसे पहले एक बड़ी sheet लो, उस पर लिख दो कि मेरा क्या हुआ है, क्या बचा है, and split it into day कि मुझे ये next 20 days में क्या 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 कब कब करना है. एंड जब आप सुबह उठते हो एक टू डू लिस्ट बना लो, आज मुझे कौन सा चैप्टर करना है, कौन से आर में, कौन से मिनट में क्या करना है, पूरा डिटेलिंग में वो लिख दो वहां पे. एंड जैसे जैसे वो दिन खत्म होता है, जैसे जैसे आपके टारगेट्स अचीव होते हैं, उसके सामने टिक मार्क प्लेस करो. एंड 5 से 10 मिनट ये कर लिया, 5 से 10 मिनट फ्रेशन अप हो गया, एंड 5 से 10 मिनट खुद को पेप टॉक देना है. आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस. अभी तक अपन ने बहुत नेगेटिविटी दे दी खुद को कि मुझसे नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, दिस इज माय कप ऑफ टी, लेट मी गिव द एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट. इसके आगे ट्राई द ऑपोजिट ऑफ इट, गिव योर सेल्फ द पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि आई एम गोइंग टू गिव इन माई 100% फॉर द डे. I am going to be the most hardworking person I know. जब आप खुद को push करते हो ना, that automatically gives you the strength and energy. You have to be your own personal cheerleader. Stop being your own critic now. You have to be your cheerleader. तो दिन ये जो सुबह begin करते हो, set the momentum for the rest of the day. खुद को pep talk देके. तो एक to-do list बना लिया और pep talk दे दिया. उसके बाद 6:30 to 10:30, yes ma'am, 4 घंटे, yes 4 घंटे पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है. ये जो 4 घंटे है ना, डीप वर्क स्लॉट निकालना है. डीप वर्क मतलब क्या, यहाँ पे आपका फोन आपके पास नहीं चाहिए, आपका लैपटॉप आपके पास नहीं चाहिए, कोई यूट्यूब, सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रैक्शंस अलाउड. ये 4 घंटे में सिर्फ आप और आपकी बुक्स, और ये स्लॉट में आपको वैसा सब्जेक्ट उठाना है, वैसा एरिया उठाना है, या वो चैप्टर उठाना है जो आपको अभी तक वीक लगता है कि ये जो एरियाज है मेरे अभी तक अच्छे से नहीं हुए हैं. काफी बार ना इन चीजों को अपन डिले कर देते हैं, और डिले करते करते एग्जाम आ जाती है, और ये कभी नहीं हो पाते अपने वीक एरियाज, इस वजह से 40-40 मार्क्स मिलते हैं, एग्रीगेट नहीं मिलता. तो गाइस, शेड्यूलिंग हैज दिस इमेंस पावर, बिकॉज क्या होता है ना, द मोमेंट यू शेड्यूल द थिंग्स, दिमाग से कंफ्यूजन हट जाता है, और यहां से कंफ्यूजन हट गया तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा फोकस कर पाते हो अपने पढ़ाई पे. तो जैसे अभी मैं वर्कशॉप ले रही हूं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम, मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे कि इतना क्रेजीली पढ़ाई कर रही है, तुझे हो क्या गया है. गाइस, मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ, यू कैन एक्चुअली लिसन टू दीज क्लिप्स फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स.
after the session, first session only, I started studying for so many hours. I mean, in so many attempts, I've never studied for such a long time. What I was facing was that when I was doing DT, I was thinking of SCMP. When I was doing SCMP, I was thinking of IDT. So because there was no plan, there was no clarity that where I'm heading. So it was all a mess. But now, you know, now I feel that, you know, I can complete properly like one subject of group one also. I had planned that I would appear for group one, but I didn't have that confidence. But thanks to ma'am and thanks to these sessions, they are really like so, they have changed me. And everyone in the house is also telling, ki kya ho gaya bhai? You know, what's wrong with you? Like, you are not coming out only. I don't have words to thank you for what you have done. Like, it's really transformational. मेरे को mental बहुत ज़्यादा traumatizing हो गया था. Like, मेरे को नींद उस वजह से नहीं आती थी. But the way you know, motivate करते हो, like, वो जो gut, गाठी होती है ना, लाइक द नॉट्स होती है ना, वो खुलते खुलते जाती है. सो लाइक वो सुलझते जाती है. इट्स ऑल इन द माइंड, आई फील. मतलब ये ठीक रहे तो फिर बाकी सारा काम होने में टाइम नहीं लगता है. ऑल्सो ग्रुप टू स्टूडेंट्स के लिए, जब आपके एग्जामिनेशन को अभी तक 30 डेज बचे, बहुत सारे ग्रुप टू स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमको पता नहीं था ऐसा कुछ वर्कशॉप कंडक्ट हो रहा है, प्लीज एक फ्रेश टाइम टेबल, एक फ्रेश स्टार्ट करनी है हमको, तो हमारे लिए एक सेशन रखो. तो इस वर्कशॉप में एक स्पेशल एड ऑन सेशन मैं ऐड कर रही हूँ. आज इवनिंग में ग्रुप टू स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन होने वाला है. 6:00 फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, 7:30 फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, जहां पे आपको भी ये प्रॉपर शेड्यूलिंग बताऊंगी एबीसी एनालिसिस के हिसाब से, कौन से चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर को कम टाइम देना है, दो रीडिंग्स अभी तक कैसे कर सकते हो, दो पेपर सॉल्व अभी तक कैसे कर सकते हो. पेपर सॉल्विंग की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. इस वर्कशॉप में आपको फ्री फुल सिलेबस टेस्ट विद इवैल्यूएशन विद सजेस्टेड आंसर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. तो सर्टनली इट्स गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट. एंड इन केस अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया, तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वर्जन ऑल्सो. सुबह 6:30 to 10:30 आपको ये डीप वर्क सेशन निकालना है, और यहाँ पे आपको आपके डिफिकल्ट एरियाज करने हैं. 10:30 to 11 आपको ब्रेक लेना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है, नहा लेना है. और अगेन वन मोर एक्सट्रीम थिंग, ये जो 10:30 to 11 का टाइम है, यहाँ पे नहाते टाइम सिर्फ नहाना नहीं है. अभी मैं क्या करती थी, आई यूज टू रिवाइज सेक्शन नंबर्स, आई यूज टू रिवाइज पेनल्टीज, आई यूज टू रिवाइज लिमिट्स. आपको भी कोई भी ना टाइम खाली नहीं जाने देना, यहाँ पे कीप ऑन रिवाइजिंग दैट. 11 to 2 नेक्स्ट लॉट, 11 to 2 अपना नेक्स्ट लॉट रहेगा पढ़ाई का. 2 to 2:30 का ब्रेक. अभी ये ब्रेक में भी 15 मिनट्स का लंच और 15 मिनट्स का पावर नैप. पावर नैप लो सो दैट यू गेट बूस्टेड फॉर रेस्ट हाफ ऑफ द डे. अभी ना तो भी दोपहर का टाइम थोड़ा सा लथार्जिक जाता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि अपन टाइम वेस्ट करेंगे. तो क्या करेंगे, 2:30 to 3:30 यहाँ पे अपन आरटीपी करेंगे और एमसीक्यू करेंगे. कंपल्सरीली स्लॉट रिजर्व रखना है एमसीक्यू के लिए, आरटीपी के लिए. ये जो एक घंटा है ना, ये एक घंटा सोना कम करो अभी. और ये एक घंटे में अगर आपने आरटीपी और एमसीक्यू रेगुलरली कर लिया ना गाइस, हर सब्जेक्ट में आपके 5 से 10 मार्क बढ़ सकते हैं. डोंट अंडर एस्टिमेट दिस आर. मैं आपको पढ़ाई नहीं करने बोल रही हूँ, बट ये कुछ डिफरेंट चीजें करोगे, इससे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे. एंड इससे सर्टनली एग्जामिनेशन में काफी बार एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है आरटीपी में से, सो डोंट अंडर एस्टिमेट इट. नेक्स्ट आता है अनदर बिग स्लॉट, 3:30 to 7:30. 3:30 to 7:30 में 4 घंटे वापस कोई आसपास नहीं, कोई फ्रेंड्स के साथ बातें नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं. 3:30 to 7:30 का एक स्लॉट. 7:30 to 8 डिनर का ब्रेक ले लेंगे. अभी डिनर करते करते मैं क्या करती थी पता है, कोई भी ऐसी चीज जो मुझे डिफिकल्ट लगती है, या कोई भी ऐसी चीज मुझे कितनी भी याद करने की कोशिश करूं याद ही नहीं रहती है, मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाए थे ऐसी चीजों के, थियोरी है या फिर कोई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मुलाज है, मैंने मेरे पेरेंट्स को वगैरह घर पे दे दिए थे. तो मैं जब खाना खाती थी ना, पीपल यूज टू आस्क मी, अरे ये बोल इसका फॉर्मुला, बोल इसका ये बोल. तो माई ब्रेन वॉज ऑलवेज एक्टिव. I used to do this. I told you this is extreme. This is an extreme schedule. But अभी जो चीजें करोगे ना, एक एक चीज आपके marks बढ़ाने वाली है. And the last slot is 8 to 12 at night. इसमें generally आपको past PYQs देख लो, past attempt किस type के questions आते हैं. Generally मैं बोलूँगी यहाँ पे paper solving के लिए time reserve रखो. जितनी ज्यादा भी written practice करोगे, उतनी आपकी speed बढ़ेगी और उतना confidence बढ़ने वाला है अभी. तो रात के time generally paper solving के लिए, past year questions देखने के लिए और revision के लिए. आज दिन भर में मैंने क्या किया था, कल क्या किया था, ऐसे करते करते बार बार रिवाइज करते रहो. एंड फ्लो चार्ट्स बनाओ क्विक, छोटे 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 फ्लो चार्ट्स फॉर क्विक रिविजन्स. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. सो ये रहेगा एक 16-17 आर का एक्सट्रीम रूटीन. लेकिन अगर आप देख रहे हो बहुत डाइवर्सिफाई किया है मैंने यहाँ पे, पेपर, आरटीपीज, एमसीक्यूज,
पेप टॉक सब कुछ, डिफिकल्ट एरियाज के लिए टाइम, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे टाइम दिया. इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. सो या जस्ट टेल मी इफ यू आर रेडी टू पुट इन योर 100%. नाउ एक सीक्रेट पॉजिटिव टिप बताती हूँ. हर एक घंटे में ना एक अलार्म लगाओ, एंड वो अलार्म बजने के बाद आपके दिमाग में खुद को बस देखो कि वॉज आई थिंकिंग नेगेटिव. क्या मैं मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही थी नेगेटिव सोच के? बस सी, अभी थोड़ा सा डर लगना तो नेचुरल है. अगर आपको तब डर लग रहा होगा, नेगेटिव फील हो रहा होगा, जस्ट स्विच योर एनर्जी. खुद को थोड़ा सा पुश करके एनर्जी शिफ्ट करो खुद की फ्रॉम जस्ट थिंकिंग नहीं नहीं मुझे प्रोसेस, मुझे जो चैप्टर इन एंड हैंड है उसको जस्टिस देना है, जो मैं कॉन्सेप्ट इन हैंड कर रही हूँ उसको जस्टिस देना है. इमीडिएटली शिफ्ट योर एनर्जी फ्रॉम थिंकिंग टू डूइंग, थिंकिंग टू डूइंग. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर. ओके गाइज, so I'm pretty sure this 16-17 hours of routine is going to change it all for you. It's going to change the game entirely for you. Theek hai? So yeah, believe in yourself. This is me signing out. Wish you all the best. Tada.